सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस अभी मेरे पास है हस्कवर्ना की स्वॉट पिलियन और जो कि 250 सीसी में है। ज़्यादा अंडररेटेड गाड़ी है, मतलब ज़्यादा कम देखी होगी आप लोगों ने रोड पे, लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जैसे कि अभी मैं इसको चला के ला रहा हूँ तो बहुत बढ़िया फील आ रहा है एकदम। और ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 30 हॉर्स पावर और 250 सीसी की है। और ये अभी जो इसमें स्वॉट पिलियन जो इसका वेरियंट है, ये क्रूजिंग के लिए है, मतलब अगर आप लोग लॉन्ग टूर पर जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, क्योंकि इसके हैंडल बार की पोजिशन जो है ऊपर है। और इसी का एक और दूसरा वेरिएंट आता है, उसमें जो हैंडल बार होते हैं वो सीधे होते हैं तो थोड़ा सा ट्रैक वाली फील देते हैं। कि ये ट्यूरिंग के लिए भी है और आप इसको भगा भी सकते हो। और एक बार लुक देख लेना इसके, काफ़ी ज़्यादा क्लासी लुक है एकदम। और साइड से कुछ ऐसी लगती है, थोड़ी सी छोटी लगती है, लाइक पॉकेट रॉकेट कह सकते हैं आप इसको। इसमें काफ़ी सारे जो इसमें फ़ीचर्स है वो KTM से मिलते जुलते हैं, जैसा पार्ट जो इसके KTM डिज़ाइन करता है और ब्रांड ये अपना अलग है। और सामने से इसका जो हेडलाइट है वो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब एक हैवी सा लुक आता है सामने से देखने में इसको, लाइक ऐसा लगता है कोई मॉन्स्टर से बाइक आ रही है। और साइड से थोड़ा सा छोटा सा कॉम्पैक्ट लुक है, बट ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पैकेज है ये। और इसकी एक बार बैक लाइट पे नज़र डालें तो कुछ ऐसा है इसका बैक साइड से लुक। और एग्जॉस्ट एकदम बहुत ही ज़्यादा क्लासी भी नहीं कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी भी नहीं कहूँगा, बट काफ़ी बॉडी से मिलता जुलता है इसका एग्जॉस्ट बनाया, जो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगता है इसमें। और चलते हैं इसको एक बार राइड करके बताते हैं आपको रिव्यू। और ये भाई एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आवाज़ आती है इसके इंजन में से, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आवाज़ आती है एकदम रिफाइंड, टू ड्यूक 250 कह सकते हो आप, मतलब एक उसी टाइप का इसका इंजन है, पावर है। और आवाज़ भी जैसे कि आप सुन सकते हैं थोड़ी सी KTM ड्यूक वाली आवाज़ आ रही है। तो चलते गाइस लेके इसको और राइड करके बताते हैं अपना एक्सपीरियंस। और एक बार मीटर कंसोल पे नज़र डालिए, काफ़ी ज़्यादा अलग मीटर है इसका, आपने और कोई दूसरी बाइक्स में ऐसा नहीं देखा होगा। मैं पास से दिखा देता हूँ, RPM कुछ ऐसे हैं इसमें, यहाँ से ऐसे नंबरिंग करी हुई है। और ये फ्यूल और ये अपने इंजन की हीटिंग आ गई, और ये अपने इंजन का रैप का जो RPM जाएंगे यहाँ से। तो भाई इस गाड़ी में मिल जाते हैं आपको अप डाउन साइड फोक्स। पावर फिगर की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है 30 PS पावर है इसमें। इसका राइडिंग पोस्चर है वो मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि एकदम कंफर्टेबल सा राइडिंग पोस्चर है इसका, कि आराम से इसको लॉन्ग टूर पे जाओ तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एवरेज भी अराउंड 30-35 किलोमीटर पर लीटर का ही निकाल देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एवरेज है। एंड गाइस इसका जो फ्यूल टैंक है वो अराउंड 9-10 लीटर के बीच में है, और अगर आप इसको लेके जाएंगे कहीं पे तो आपको बार बार फिल कराना पड़ेगा। ये इस बाइक का मुझे एक ड्रॉबैक लगता है। और अभी इसको थोड़ा सा पावर टेस्ट करेंगे, इसको थोड़ी सी खींच के देखता हूँ कैसी भागती है। तो गाइस अभी टाइम आ गया इसको थोड़ा सा खींचने का, तो फर्स्ट और सेकेंड गियर तक खींचते हैं इसको। 51 जा रही है इन फर्स्ट गियर, 72 जा रही है इन सेकेंड गियर, 94 इन थर्ड गियर। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भाग रही है, मतलब एकदम पावर फील हो रही है ऐसे पीछे को पुश कर रही है खींचने में। अगर आपको एक टूरिंग बाइक भी चाहिए और साथ में एक थोड़ा सा स्पोर्ट्स फील भी लेना है आपको पावर का, और इसकी हैंडलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा ईजी टू हैंडल है, मतलब स्ट्रीट्स में तो आप इसको लेके आगे लगा दोगे, ऐसी कंट्रोलिंग मुझे लग रही है इसकी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया पैकेज है ये बाइक, और दो वेरिएंट में आती है, मैंने आपको बता दिया। जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें स्पोर्ट्स वाला फील आता है, मतलब उसके जो हैंडल बार ऐसे इसमें ऊपर है तो उसके यहाँ पे ऐसे नीचे होते हैं, तो एकदम एग्रेसिव सा राइडिंग पोस्चर है उसका, और ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है।
ओके सो गाइज, हस्क्वर्ना स्वॉट पिलियन 250 कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।